पिताजी, ओ पिताजी, पिताजी सुनते हो? अरे सुबह सुबह क्या हो गया? पिताजी चूहे हैं। चूहा कहाँ कहाँ है? मेरे पेट में है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना पिताजी। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, सुबह जब तुम देर से उठोगे तो सुबह का नाश्ता तुम्हें कैसे मिलेगा? हा? लेकिन मेरी बात तुम सुनते कहाँ हो? जाओ मुरमुरा के डब्बे से एक मुट्ठी मुरमुरा ले लो। जाओ एक मुट्ठी मुरमुरा खाने से क्या होगा, मुझे खाना चाहिए, वो भी स्वादिष्ट खाना चाहिए पिताजी। खाना मिला नहीं कि स्वादिष्ट चाहिए, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, चुपचाप मुरमुरा में पानी डाल के खा ले, समझा? ये क्या पिताजी, इस घड़े में तो बिल्कुल पानी ही नहीं है पिताजी। हा? अरे घड़े में पानी तो था, अरे आखिर गया तो गया कहाँ? अब मैं मुरमुरा कैसे खाऊंगा पिताजी? ओ पिताजी, मेरे पिताजी ऐसे ही है, बारिश का पानी जो मुफ्त में मिलता है वो भी नहीं छोड़ते मेरे पिताजी, तुम बोलो। अरे पैसे के अभाव में एक एक चीज बेच दी मैंने, लेकिन फिर भी पैसे का अभाव खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा जाके देखता हूँ क्या बेचा जाए। हाँ यही है, ये संदूक तो मुझे मेरी शादी के समय में मिला था। जब आज मेरी पत्नी जिंदा नहीं है तो इस संदूक को रख के मैं क्या करूंगा, वैसे भी ये संदूक अब मेरे किसी काम की भी नहीं है। हाँ? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे इस संदूक में ही रहने दीजिए मालिक, इस संदूक को मत बेचिए मालिक। अरे तुम कौन हो? मैं इस संदूक का भूत हूँ मालिक, पिछले 20 सालों से मैं इस संदूक के अंदर हूँ, और आपकी पत्नी मुझे बहुत पसंद करती थी मालिक, उनको सब पता था कि संदूक के अंदर मैं रहता हूँ, ये संदूक मत बेचिए मालिक। अरे लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, और ये संदूक मैं घर पे रख भी लिया तो मेरी परेशानी कौन सी कम हो जाएगी, वैसे भी हम दोनों बाप बेटे के पास खाने के पैसे तक नहीं है। लेकिन मैंने क्या आपसे कभी खाना मांगा है क्या? हाँ तुमने नहीं मांगा है, लेकिन मांग लिए तो? नहीं नहीं, मैं कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगता हूँ मालिक, मैं हमेशा सबको सब कुछ देता हूँ, जिसको जैसी जरूरत होती है मालिक। अरे तुम ये सब क्या बोल रहे हो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात पर विश्वास नहीं है, समझे? तुम कोई दूसरा घर देख लो, चलो जाओ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है मालिक, तो आप मुझसे कोई चीज मांग के ही देख लीजिए। ये क्या, आपके घर के छत से तो पानी टपक रहा है मालिक। तो क्या तुम मेरे घर के छत की मरम्मत कर सकते हो? हाँ मालिक, बिल्कुल कर सकता हूँ मालिक, मैं अभी कर देता हूँ मालिक, रुकिए एक मिनट। हाँ? मालिक इस बार आपको विश्वास हो गया ना मुझ पर? वाह ये तो सब कुछ कर सकता है, विश्वास तो हो गया है मुझे इस पर। हाँ 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 ठीक है मैं तुम्हें अपने घर पे रहने देता हूँ, ठीक है? पर तुम ऐसे वैसे नहीं रह सकते, आज से ही तुम्हें कपड़ा धोना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, मतलब घर के सारे काम तुम्हें ही करने होंगे, कर पाओगे ना? मेरे पास कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है मालिक, मैं बिल्कुल कर दूंगा। ये टूटे हुए संदूक के अलावा घर में कुछ ऐसा बचा ही नहीं जो बाजार में बेच सकूं। हाँ हाँ एक काम करता हूँ, जमींदार बाबू के पास जाके कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ, बोलूंगा जल्दी लौटा दूंगा, और वो नहीं मानेंगे तो उनके पाँव में गिर जाऊंगा, और दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है मेरे पास। मान जाएंगे जमींदार साहब। भूत, भूत मेरी बातें सुन पा रहे हो? भूत मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, भूत मेरी बातें सुन रहे हो तुम? अरे सुनते हो तो इशारा दो मुझे भूत, जल्दी से बाहर आ जाओ। डरना नहीं मित्र, मैं भूत जरूर हूँ, लेकिन मैं अच्छे इंसानों को कभी नुकसान नहीं पहुँचाता हूँ, मैं हमेशा उनकी सहायता करता हूँ। हाँ सच में? हाँ तुम्हारी स्वर्गीय माँ भी तो मेरी मित्र थी, मैंने तुम दोनों माँ बेटे की खूब सारी बातें सुनी हैं। हाँ मैं जब छोटा था तब माँ मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाती थी, पर फिर माँ मुझे छोड़कर किसी और दुनिया में चली गई,
उसके बाद से मैंने ठीक से खाना तक नहीं खाया। मैं सब जानता हूँ मेरे मित्र, तुम्हारे पिताजी जितने आलसी हैं उतने लालची भी हैं। मेरे मित्र, तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो। नहीं, माँ कहती थी बिना कारण कुछ मांगना नहीं चाहिए, जब जरूरत हो तभी कुछ मांगना चाहिए। मुझे तुम्हारे पास से कुछ नहीं चाहिए भूत। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए मानता हूँ, लेकिन मैं तो अपने मित्र को कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, लो मित्र, तुम्हारे पिताजी के आने से पहले इसे जल्दी से खत्म कर दो। नहीं, मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? मैं तुम्हें 1 रुपया उधार नहीं दूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं मालिक, तुम्हें पैसे उधार देना मतलब पैसे कुएं में फेंक देना, वो पैसे कभी वापस नहीं आएंगे। क्यों मालिक, सही कहा ना? लेकिन कुछ नहीं, जो कहा सुना ना, चलो जाओ यहाँ से। अरे देखो, इन नवाब को देखो। ए छोटो, उठ, बोल रहा हूँ, उठ। मैं इससे ज्यादा खा नहीं सकता भूत। भूत? ए भूत, आजा, बाहर निकल बोल रहा हूँ। आ गया मालिक, मैं आ चुका हूँ। बर्तन धो लिए हो? बर्तन में तो मुरमुरा था मालिक। घर साफ किए हो? आपका घर तो पहले से ही साफ है मालिक, कहीं कोई धूल कचरा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि वो यहाँ रहेंगे तो उन्हें भूखे ही मर जाना है। अच्छा, ये बात, मैंने तुम पर दया की और ये बात तुम बिल्कुल मत भूलना। जा जा जा, चल निकल यहाँ से, चल जा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मालिक, माफ कर दीजिए। माफ करने से क्या होगा हाँ, मैं क्या बड़ा आदमी बन जाऊंगा? और तूने ही बोला था ना, जो भी इंसान तुमसे कुछ मांगता है तो तुम उसे जरूर देते हो। देता हूँ मालिक। तो मुझे बहुत बहुत सारा सोना गहना दो, पैसा दो। अरे नहीं मालिक, ऐसे कोई भी चीज नहीं दे सकता मैं आपको, जिस चीज की जरूरत होगी वही दूंगा मैं। अच्छा, ये सब फालतू की बात सुनने के लिए तुझे यहाँ नहीं रखा हूँ मैं, समझा? जो कुछ भी तुझसे मांगा है वो जल्दी दे दे, वरना आज ये संदूक बाजार में बेच दूंगा। नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इस लालची आदमी को सबक सिखाने का समय आ चुका है अब। ठीक है मालिक, ये लीजिए मालिक, ये लीजिए। अरे ये क्या, तो सारे गहने असली हैं? ये क्या, ये सारे मेरे हैं? अरे वाह, इन सबको मैं बाजार में बेच दूंगा। हाँ, और इन पैसों से मैं बहुत सारी चीज खरीदूंगा और राजा जैसे रहूंगा। अरे कल तक तो ये भिखारी था, आज अचानक से इतना पैसे वाला कैसे बन गया? नहीं, कुछ तो गोलमाल जरूर है। चलो ये बात जाकर मैं जमींदार बाबू को बताता हूँ, बहुत ही गर्मा गर्म खबर है। मालिक, वो चंदू तो रातों रात अमीर बन गया, हाथ में सोना, गले में चेन और हाथ में बहुत सारे पैसे लेके बाजार में घूम रहा है वो। क्या बोल रहे हो तुम, इतना सारा सोना उसके पास आया कहाँ से? वही तो समझ में नहीं आ रहा है मालिक, आप एक बार आपके संदूक को खोल के देखिए तो सर। अरे ये क्या हो गया,
मेरा संदूक तो खाली हो गया। हाय 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 हाय, ये क्या? जिस बात का अंदाजा लगाया था आखिर वही हो गया मालिक, उसे पैसे देने से इनकार कर दिए तो उसने आपकी संदूक ही लूट ली। हाय, अभी जाओ, अभी के अभी उस संदूक के घर जाओ और उसे पकड़ कर यहाँ लाओ। आज तो उसका आखिरी दिन होगा या फिर मेरा। जीवन हो तो बिल्कुल ऐसा ही हो। हा हा हा, खाली खाओ और सो। पर माँ कहती थी मेहनत करके खाना होता। अरे, तेरी माँ की बात रहने दे, आज से मैं जो बोलूंगा इस घर में वही होगा। वो देखो चंदू कितना आराम से घर में बैठा है। जाओ जाके उसे पकड़ लो, छोड़ना नहीं उसे, जाओ पकड़ लो। अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे मुझे छोड़िए, मुझे छोड़िए आप लोग। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? तुम्हें क्या लगा था हा? तुम जमींदार बाबू का संदूक लूट के ऐसे ही आराम से रह लोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? लेके चलो इसे, लेके चलो इसे चलो। अरे अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा विश्वास करो। ये भूत ने मुझे सारे कहने दिए हैं, मेरी बात को समझो। कौन सा भूत? क्या भूत? यहाँ पर तो कोई भूत है ही नहीं, हमें फिर से बेवकूफ बना रहा है। चलो चलो, लेके चलो इसे, बहुत सुन ली इसकी बकवास, चलो हमें बेवकूफ बनाएगा, चलो।